इसमें बड़े एक्शंस कहाँ दिखाई दे रहा है, मेगा एक्शन एक ही करके आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहले L&T टेक काफी शानदार नतीजा है और अच्छे नतीजों से शेयर में आज तेजी। FY24 के लिए 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया कंपनी ने। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक में भी काफी अच्छा कारोबार है और यहाँ पर मैनेजमेंट में अगर बात करें तो N कामकोड़ी को का जो कार्यकाल है वो अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया। RBI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और आपको बता दें कि पिछले 12 साल से ये सिटी यूनियन बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शॉपर स्टॉप में भी हम देख रहे हैं जोरदार तेजी है। यहाँ पर भी तिमाही नतीजे कंपनी के स्ट्रॉन्ग आए हैं। Q4 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है तो जिसके चलते आज शॉपर स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी इस वक्त से देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप स्पेस में इन तीनों स्टॉक्स के अलावा और कहां पर एक्शन नजर आ रहा है ये बताने के लिए वामाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी गुड आफ्टरनून, बताइए। वेल गुड आफ्टरनून, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। हम देख ही रहे हैं कि मिड कैप स्पेस निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि LTTS नतीजों के बल पर हम देख रहे हैं ये स्टॉक आज काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट December 1, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है LTTS के लिए। IRFC की अगर हम बात करें तो सबसे बिगेस्ट सिंगल डे गेन है December 26, 2022 से लेकर के अब तक का। इसके अलावा मैक्रोटेक में अगर हम देखें लोढ़ा ये जो स्टॉक है 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। कजारिया सिरामिक्स 2 दिन से स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो लूपिन 4 दिन की तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में गिरावट नज़र आ रही है। वोल्टास के लिए बिगेस्ट सिंगल डे फॉल है March 20, 2023 से लेकर के अब तक का। CG पावर में अगर हम देखें तो 2 दिन की तेज़ी के बाद स्टॉक में आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक में दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो जैसे कि हमने पहले भी हाईलाइट किया रियल्टी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर हम रियल्टी पैक में से देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स, सोभा लिमिटेड जैसे सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। खासकर मैक्रोटेक हम देख रहे हैं 5% से अधिक की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। रियल्टी स्पेस से ही जुड़ी एक दूसरी स्पेस है सीमेंट स्पेस, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो ओरिएंट सीमेंट, मंगलम सीमेंट, नोवोको विस्टा, स्टार सीमेंट सारे ही सीमेंट शेयर में हम देख रहे हैं 1% से अधिक की तेज़ी नज़र आ रही है। ठीक है, तो आज सीमेंट स्पेस में अच्छी तेजी है। उसके अलावा और भी काफी सारे सेक्टर भी वामाक्षी हाईलाइट कर रही थी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वामाक्षी इसके अलावा ये भी बताइए कि खबरों के दम पर एक्शन कहाँ दिख रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम एक IT शेयर के साथ। कोफोर ये कंपनी ने अपने नतीजे रिपोर्ट किए चौथे तिमाही के लिए और ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू में करीब 4.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने मिली है। रेवेन्यू US डॉलर्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो 264.4 मिलियन पर है। यहाँ पर 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेज़ी नज़र आ रही है। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन भी 19.6% आया है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं Q3 के मुकाबले सुधार नजर आया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें FY23 के गाइडेंस नो कंपनी ने बीट किया है रेवेन्यू फ्रंट पर, मगर मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा स्लाइट मिस नजर आया है। FY24 को लेकर जो गाइडेंस है वो भी काफी ओके नजर आ रही है और लार्जली वो स्ट्रीट के अनुमान के मुताबिक है। तो ओवरऑल कोफोर्ज फोकस में है अपने चौथे तिमाही नतीजों के बाद और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है 1% से अधिक की तेजी के बाद। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी हमारे रेडार पर है। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 39 मेगावाट्स का ये ऑर्डर है और उनकी जो 3 मेगावाट प्रोडक्ट सीरीज है उससे ये ऑर्डर है। थर्मैक्स ग्रुप कंपनी ने ये ऑर्डर प्लेस किया है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी फोकस में है, मगर ये स्टॉक न्यूज़ को रिएक्ट नहीं कर रहा है। इस और आखिर में हम फोकस करेंगे इपका लैब्स पर। हम देख रहे हैं कि USFDA ने इंस्पेक्शन की है कंपनी की फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो पिपारिया में है, सिलवासा में है, 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। और इस दौरान USFDA ने फॉर्म 483 इशू किया है 3 ऑब्जर्वेशन के साथ। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं इपका लैब्स में आज गिरावट नजर आ रही है। ओके, ढेर सारी खबरें हैं और मिड कैप में इनफैक्ट तगड़ी खरीदारी भी नजर आ रही है। शुक्रिया वामाक्षी इतने सारे स्टॉक्स और उनसे जुड़ी खबरें और थीम्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। L&T टेक, सिटी यूनियन बैंक, शॉपर स्टॉप, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं। इसके अलावा थीम्स की जहां अभी थोड़ी देर पहले वामाक्षी बात कर रही थी उसमें IT स्पेस है, रेलवेज है, साथ ही सिरेमिक स्टॉक्स भी हैं जिसमें एक्शन है। लेकिन कनेक्टिंग सेक्टर्स थीम्स रियल एस्टेट और सीमेंट जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे। स्वाति, रियल
रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी मजबूती हम आए दिन देख रहे हैं। रियल एस्टेट में डिमांड का ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव है और इसका एक कनेक्टिंग फैक्टर कनेक्टिंग इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट पर भी पड़ रहा है। मिड कैप सीमेंट और मिड कैप रियल एस्टेट को काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। क्या इन स्तरों पर भी कोई स्टॉक है जिसमें खरीदारी के मौके बनाए जा सकते हैं, सीमेंट और रियल एस्टेट इन पर्टिकुलर? डेफिनेटली अगर रियल एस्टेट की बात करो तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशंस हमें देखने मिल रहे हैं। फर्स्ट वन विल बी ऑन द हायर साइड एज ऑफ नाउ। टेक्निकली बात करो तो मुझे डीएलएफ अच्छा लग रहा है, प्रेस्टिजिक अच्छा लग रहा है। डीएलएफ की बात करो तो काफ़ी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, 420-419 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। लार्जर डिग्री पे देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट पर, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद इसकी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था 380 का, वहाँ से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम रैली नजर आ रही है। तो डीएलएफ मुझे लगता है करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 400 रुपीस का एक काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा, अपसाइड में 450-460 के लेवल हमें देखने मिलेंगे। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो नो वंडर हमें कुछ दिनों पहले सीमेंट्स में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आई थी, जैसे कि इंडिया सीमेंट्स में हम लोग ने काफी अच्छे बैंक, बट अभी ये थोड़े प्रॉफिट बुकिंग में मुझे नजर आ रहे हैं। अगर हम थोड़े बड़े स्टॉक्स में देखे जाए मिड कैप छोड़ के, तो लार्जेस्ट स्टॉक्स में मुझे लगता है कि ग्रासी में काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, 1690 के रेंज में चल रहा है, 20 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मार्केट में करेक्शन आया तो भी उसने 20 डीएमए का लेवल सपोर्ट लेके वापस रिबाउंड होते हुए हमें नजर आ गए, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है सीमेंट्स इसमें। तो मुझे लगता है कि इसमें करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं, एंड वापस ये 52 वीक हाई के आसपास जाने की क्षमता रखता है जो कि 1840 के आसपास है। तो आप सीमेंट सेक्टर्स में देख रहे हो तो ग्रासिम मुझे काफी अच्छा लग रहा है, 1650 का स्टॉप लॉस रखे आप अपने बाय कॉल्स इनिशिएट कर सकते हो। फॉर इमीडिएट टारगेट विल बी 1740 एंड 1840 लेवल्स ऑन यहां से। ओके ठीक है, तो ये राय यहाँ पर इस स्टॉक में आपको दे दी गई है सीमेंट।